हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एनजीके। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंट्रेंस एग्जाम पेपर ऑफ 3 ईयर LLB ऑफ MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ईयर 2022। सो फ्रेंड्स, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी, तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड वाइल सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट क्लिक द लाइक बटन ओवर देयर एंड अप्रिशिएट दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट दिस चैनल एज वेल। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। Super Thanks is a way to help the content creator, means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20, minimum is 20 rupees. So friends, अगर आप LLB में admission लेना चाहते हैं और entrance exams दे रहे हैं different universities के, तो ये paper आपके लिए बड़ा useful रहेगा। तो I recommend कि आप जो है starting से लेकर end तक video को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी इसमें, बहुत ही useful रहेगी ये video आपके लिए। देखिए कुछ इस तरीके से आता है exam paper। तो ये सीरीज़ ए है, 75 मिनट का एग्ज़ाम होता है, ये 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं। यहाँ पर रोल नंबर भरिए फिगर्स में, फिर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन साइन कीजिए यहाँ पर, इनविजिट यहाँ साइन कर देगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, देखिए। सो क्वेश्चन नंबर वन इज़, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। Which of the given words best replaces the italicized word in the following sentence? देखिए italicized मतलब, देखिए ये इसका जो है मीनिंग पूछ रहे हैं। The hotel porter gave me a contemptuous and haughty stare. Contempt, देखिए contempt से आप समझ जाइए, कैसे क्या होता है contempt, मतलब कोई आप पर गुस्सा, जैसे कि contempt होता है कोर्ट में, तो क्या होता है कोर्ट आपसे गुस्सा हो जाता है, ऑब्वियसली आपको फिर पनिश करता है, तो contempt वर्ड यहाँ पर आ गया, एंड हॉटी, तो इसका जो मीनिंग पूछ रहे हैं तो क्या रहेगा, सुपरसिलियस, 4 इज द आंसर। कंटेम्प्टस का मतलब क्या होता है, डीप हेटेड, डीपली हेटेड लुक दी है उसने, और हॉटी मतलब प्राउडली, मतलब बहुत ही प्राउड है, और वो मतलब दिखा रहा है कि वो प्राउड आपके पास नहीं आएगा, और ये आपको एक डीपली हेटेड स्टेयर दे रहा है। स्टेयर मतलब लुक। एज आई लाइटेड फ्रॉम द बस विद द रक्षक एंड अप्रोच द एंट्रेंस। देखिए पोर्टर कौन होता है, जो होटल के बाहर खड़ा रहता है, अगर गाड़ी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको अच्छे स्माइल करेगा, और पता लगा जी आप बस से उतरे हैं अपने बैग वैग लेके, तो आपको जो है ऐसे करते ना, अरे कौन आ गया, इस टाइप की लुक देगा, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। प्रीएम्प्टस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फिडेंट। एक्सट्रानियस क्या होता है, इररेलीवेंट। एंड ल्यूडिक्रस, रिडिकुलस। सुपरलिशियस इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली एक्सट्रीम प्राउडली इन अ नेगेटिव वे। नेक्स्ट इज, टू विच ऑफ द गिवन वर्ड्स बेस्ट रिप्लेसेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एन एविड रीडर ही रीड्स ऑल द बुक्स विदाउट रिगार्ड टू डिफरेंसेस इन क्वालिटी और थीम। तो इसका पूछ रहे हैं, टू डिफरेंस इन क्वालिटी और थीम मतलब क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वन इज द आंसर। कंक्रेंटली बताइए आपको क्या होता है, कंक्रेंटली समानांतर जो बोलते हैं ना, एक साथ चलना। इंटरमिनेबली, इंटरमिनेबली क्या होता है, क्योंकि ऐसे कोई लेक्चर है लंबा चल रहा है और बोरिंग और अनोइंग हो गया। सुपरफिशियली, यू नो सुपरफिशियल, लाइक आउटवर्ड, केयरलेस, कैजुअल। नेक्स्ट इज, 3 विच ऑफ द गिवन वर्ड्स बेस्ट रिप्लेसेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड। तो इंटेंडिंग एयर क्रू अंडरगो सर्चिंग टेस्ट टू डिस्कवर वेदर दे आर बाय डिस्पोजिशन एंड कैरेक्टर सुटेबल फॉर द वर्क। डिस्पोजिशन एंड कैरेक्टर मतलब दे आर चेकिंग द टेम्परामेंट, ये वो कैसे बिहेव करते हैं। टेम्परामेंट क्या होता है, अ पर्सन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 2 इसका आंसर रहेगा। स्क्रपलसली क्या होता है, वेरी केयरफुल। सिवियरली अलग कर देना, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिकली, बताइए आपको। नेक्स्ट, 4 विच ऑफ द गिवन वर्ड्स बेस्ट प्लेसेस द इटैलिसाइज वर्ड। इन अ डिबेट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव एटलीस्ट वन स्पीकर हुज आर्ग्यूमेंट आर इंटेंशनली इरिटेटिंग और डिजाइंड।
to produce a strong reaction. तो intention irritating and designed to produce strong reaction मतलब क्या होता है? Proactive. 3 is the answer. Attractive मतलब from backdate. Treacherous, treachery से आया है word ये. Treachery क्या होती है? Sedition मतलब betrayal, breach of trust. Vivacious क्या होता है? Lively, happiness, full of joy. This is 5. Which of the given words best places the italicized word? Comedians must depend to some extent on the fact that laughter is likely to spread or to influence others. अब जो spread हो जाए तो क्या बोलते हैं? Infectious. 3 is the answer. Spontaneous, on the spot. Ravenous, very hungry. Commodious क्या होता है? Who can accommodate anything? Having big room and comfort. Next is 6, फिर से वही है. The son assumed control of the business on the retirement of his father. तो क्या बोलेंगे इसको? Take over. तो take over होता है ना कि और किसी ने किसी और की जगह ले ली, तो क्या बोलते हैं इसको? Take over. तो यहाँ पर past में है तो simple past है, took over हो जाएगा. 3 is the answer. फिर 7 है. The bad cheese emitted a very unpleasant smell. Emit मतलब जो दे रहा है, क्या बोलते हैं? Give off. 4 is the answer. Give in मतलब submit कर देना. Delinquent, ठीक है. Give up मतलब छोड़ जाना, leave. Give out. Finalize करना, completely used. Next is 8. फिर से वही है. The modernization of Indian Railway is now making good progress. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? Is well underway. 2 is the answer. This is 9. Find the error in the following sentence. He told me to do as I wished, but warned me not to go and ask for help if I got into difficulties. इसमें कोई error नहीं है. 4 इसका answer है. बिल्कुल ठीक sentence है ये. Next is 10. Find the error in the following sentence. If by some unlucky chance the talks broke down, it will be a black day for industry. It would be a black day for industry. तो C इसका उत्तर रहेगा. 3 is the answer. Next 11. Find the error in the following sentence. One of my friend has a bike that frequently breaks down. Breakdown मतलब क्या होता है? खराब हो जाना. So he is thinking of disposing it off. बिल्कुल ठीक है ये. No error. 4 is the answer. Next 12. If he had known that the river was dangerous, he would not have tried to swim across it. Would not. 2 is the answer. अब देखिए same है ना. 10 में भी ऐसे ही था. If था और past में था. फिर यहाँ पर भी will use नहीं होगा. He will नहीं आएगा. Will not be. 2 is the answer. Next 13. Do you like going to a film? Or would you stay at home? Yeah, going and stay. 3 is the answer. अगर हमें टू गो लगाएंगे स्टेइंग आए तो यहाँ वुड बी हो जाएगा ना. और वुड यू बी स्टेइंग एट होम. नेक्स्ट इज 14. द मैन डैश विद हिज बैक टू कैमरा इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 15. सिटिंग ऑन द फ्लोर इजंट एग्जैक्टली कंफर्टेबल. थ्रो मी अ कुशन प्लीज पद्मा. मतलब ही इज आस्किंग टू थ्रो अ कुशन. तो थ्रो ऑन मी तो आएगा नहीं. ऑन इसमें ऑप्शन में भी नहीं है. और थ्रो मी ही रहेगा इसमें ये. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 16. आई सपोज इट वॉज शेंटी हु लेफ्ट द किचन इन सच अ मैस. नो इट कुड नॉट हैव बीन शेंटी. ही नेवर हैज अ मील इन. इट मस्ट हैव बीन बिल्लू. 3 इज द आंसर. Next 17. If you want a candid opinion, you better ask my sister. She never tells white lies. She always says exactly what she thinks. 1 is the answer. Next 18. Look at the poor Tej trying to start his bike by kick again. If I have been Tej, I would have got new battery. 4 is the answer. Next is 19.
It is a pleasure to do business with you, business with such an efficient organization. तो इसमें आएगा टू इज द आंसर. नेक्स्ट 20, डोंट टेल अ सोल, नॉट इवन योर वाइफ. ऑफ कोर्स नॉट, आई वुड नेवर टेल अ सीक्रेट टू अ वुमन. तो तीनों में ए आ जाएगा, तो टू इज द आंसर. नेक्स्ट 21, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स बेस्ट प्लेसेस द इटैलिसाइज वर्ड. योर रिमार्क्स वर क्वाइट इम्प्रॉपर, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर देम. इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ प्लेस, मतलब जो नहीं होना चाहिए. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. बबलू ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग. तो वेयर आई के साथ वर आता है, ये हो गया रॉन्ग. फिर द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट इट इज़ वेरी डिलाइटफुल सीन. इट इज क्या आएगा? वॉज. फिर द लवर विश दैट ही हैड विंग्स, ये बिल्कुल ठीक है. फिर द जज एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ फैंटास्टिक नॉनसेंस, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं. तो 4 इसका आंसर रहेगा, ओनली सी एंड डी. नेक्स्ट 23, अब बताना है इटैलिसाइज्ड वर्ब इज नॉन फाइनाइट, कौन सी है इसमें से. स्कूल हैज़ नाउ मूव्ड टू द न्यू प्रमाइसेस विच ओवरलुक द, अब ये इंग्लिश में गंगेज बोलते हैं, गंगा लिख लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है इनको, द गंगा. तो इसमें से कौन सी है ये? द थीव्स टुक 2 मेल बैग्स कंटेनिंग रजिस्टर्ड लेटर्स. बी इसमें ठीक है, तो ओनली बी इसका आंसर रहेगा, 2 इज द आंसर. 24, सेलेक्ट द वर्ड्स नियरेस्ट इन द मीनिंग टू एक्स्ट्रावेगेंट. तो क्या होता है? स्पेंड थ्रेफ्ट, 2 इज द आंसर. थ्रेफ्टी, पार्सिमोनियस, फ्रूगल, ये कौन है? ये इसके ऑपोजिट, मतलब कंजूस टाइप के, जो सोच समझ कर जो है खर्च करें. नेक्स्ट 25, सेलेक्ट द ऑपोजिट मीनिंग टू इंजीनियस. इंजीनियस का मतलब क्या होता है? आइडिया, प्लान, है ना. तो निफ्टी क्या मतलब? गुड, स्किलफुल. इन्वेंटिव पता ही है भाई, आइडिया, प्लान, इंस्पायर्ड, ये भी सेम. इसके ये क्या है? सिनोनिम्स हैं. तो 4 इसका आंसर रहेगा, इमिटेटिव, मतलब कॉपी कर लिया, खुद का आइडिया नहीं है. अगला 26, परीक्षा का संधि विच्छेद करें. परी प्लस इक्षा, तो कौन सा? बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी या बड़ी ई या छोटी ई. तो परी में तो छोटी की आएगी और इक्षा बड़ी ई वाली, है ना. तो 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 27, नायिका का संधि विच्छेद करें. नय प्लस इका, 2 इज द आंसर. अगला 28, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? बहुव्रीही समास, 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 29, यथोचित में कौन सा समास है? इसमें है अव्ययीभाव समास, 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 30, चौराहा में कौन सा समास है? इसमें है द्विगु समास, 4 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 31, अंबुज किसका पर्यायवाची है? कमल का, 2 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 32, मनसिज का पर्यायवाची शब्द बताएं. मनसिज का क्या पर्यायवाची? कामदेव, 2 इसका उत्तर रहेगा. अगला 33, अब मुहावरे आ गए. एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताएं. सबको समान भाव से देखना, 4 इसका उत्तर रहेगा. 34 है, धूप में बाल सफ़ेद ना होना, अनुभवी होना, 1 इसका उत्तर रहेगा. 35, सावन हरे ना भादो सूखे का अर्थ है हमेशा समान अवस्था में रहना, एक समान, 1 इसका उत्तर रहेगा. अगला 36, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब कोई बहानेबाजी हो जाएगी, कोई काम नहीं होगा, तो 3 इसका उत्तर रहेगा. अगला है 37, शुद्ध शब्द बताएं. देखिए हमने ये जो कई MDU 5 ए वाला एग्जाम पेपर किया था उसमें भी आया हुआ था ये, है ना. तो मैंने बताया था आपको कि 2 आधे जय होते हैं उज्ज्वल में, तो 2, 1 इसका उत्तर रहेगा. अगला 38, सही शब्द का चयन करें. तो बीमारी ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, दोनों बड़ी की मात्रा आएंगी, 1 इसका उत्तर रहेगा. अगला 39, इनमें से कौन सा विकल्प कर शब्द के लिए सही है? कर, देखिए इसमें है ना कर और किरण और हाथ, 4 इसका उत्तर रहेगा. अगला 40, इनमें से कौन सा विकल्प रंग शब्द का सही अर्थ बता रहा है?
वर्ण व दशा, तीन इसका उत्तर रहेगा। अगला है 41, कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, कौन सा अलंकार है यह? यमक अलंकार, दो इसका उत्तर रहेगा। अगला 42, अबर परंघट में डूबो रही ताराघट उषा नगरी में, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, एक इसका उत्तर रहेगा। अगला 43, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अलंकार कौन सा है ये? अनुप्रास, एक इसका उत्तर रहेगा। अगला 44, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताएं, निवृत्ति, चार इसका उत्तर रहेगा। अगला 45, गौरव का विपरीतार्थक शब्द बताएं, लाघव, एक इसका उत्तर रहेगा। अगला 46, नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंट्रस्टेड विद स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर एडवोकेट्स इन इंडिया, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फोर इज द आंसर। सेम क्वेश्चन इन MDU 5 year LLB एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट 47, हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगेन सेम क्वेश्चन, दैट इज स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल। आर्टिकल कौन सा है? 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा है उनके लिए? 76 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 48, व्हेन गुड्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर टू, इज द आंसर। इसके लिए आप देख सकते हैं केस कौन सा, बूट्स वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। नेक्स्ट 49, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट, दैट वॉज 44th अमेंडमेंट, फोर इज द आंसर। पहले जो है राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ था? फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 19(1) क्लॉज एफ में, है ना। फिर इसको अब क्या कर दिया, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अब ये, आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट 50, विलेज पंचायत इज ऑर्गेनाइज अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 44 इज द आंसर। अगेन रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम MDU 5 year LLB एंट्रेंस एग्जाम। 51, द इंडियन फेडरल सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर्स रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली केंद्र सरकार के पास रहती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 52, द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया डू नॉट पोजेस विच ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट के पास एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, थ्री इसका आंसर है। एडवाइसरी किसके पास है? ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 53, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 54, मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज वक्फ, जो ट्रस्ट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको मुस्लिम्स में, माउंटेंस में वक्फ बोलते हैं, फोर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 55, विच इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट कोड जो कौन सा बोलते हैं, मनुस्मृति, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 56, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर्स डेथ इज कॉल्ड एज पोस्थमस, टू इज द आंसर। नेक्स्ट 57, अ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, मतलब डबल जियोपार्डी वाला प्रिंसिपल है ये। फैक्ट्स, रवि चंद वॉज ड्राइविंग हिज क्रेटा व्हेन ही ड्रोव द कार ऑन द पाथ एंड क्रश थ्री पीपल टू डेथ, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस ही एक्विटेड, नाउ द प्रोसिक्यूशन फाइंड आई विटनेस एंड एविडेंस अगेंस्ट हिम, दे वॉन्ट टू प्रोसिक्यूट हिम। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है, एक्विट, अगर एक बार एक्विट हो गया तो दोबारा उसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते फॉर द सेम ऑफेंस, तो ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट अगेन, टू इज़ द आंसर। अगर यहाँ होता डिस्चार्ज तब कर सकते थे, टू इज़ द आंसर। नेक्स्ट 58, प्रिंसिपल है, ओनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉ ऑन देयर ओन, नो लॉ मेड बाय स्टेट कैन टेक अवे पर्सन्स फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्स क्या है, पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रेडर्स, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स फाइल्स अ रिट पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट सीकिंग रिलीफ टू क्वेश्चन द स्टैट्यूट एंड फर्दर डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनेक्ट न्यू लॉ। तो देखिए द कोर्ट जो है अगर वायलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट है तो क्वेश्चन कर सकता है, ऑब्वियसली जब प्रिंसिपल भी यही लिखा हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी है वो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर को ये नहीं बोल सकता कि आप ये वाला लॉ बनाओ, दे कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक न्यू लॉ, टू इज द आंसर।
Next 59, principle, a person is said to be of sound mind for the purpose of making contact if at a time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. Facts say Mr. X, who is usually of sound state of mind but occasionally of unsound state of mind, enters into contact with Mr. Y when he was of unsound state of mind. तो क्या कह रहे हैं, एक्स जो है वो कभी कभी जो है ओकेजनली अनसाउंड रहता है और मिस्टर वाई से वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है व्हेन ही वाज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड. मिस्टर वाई हैविंग कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट आफ्टरवर्ड्स वांट टू फाइल सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स. मतलब मिस्टर एक्स जो था वो पागल था उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर, तो ओबियसली क्या हो गया, ये वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट. तो Mr. X can enter into the contract, but the burden is on Mr. X to prove that he was of sound state of mind at the time of the contract. तो burden of proof किस पे रहेगा, Mr. X पर, कि वो prove करे कि भाई उसने जो contract किया है वो ठीक था, because वो तो oppose करेगा ना उसको. तो 2 इसका answer रहेगा. Section कौन सा है ये, section है ये 12 of contract act unsound mind के लिए, देख सकते हैं आप वहाँ पर. Next 60, mere silence as to effect likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that on close examination it is found to be duty of the person keeping silent to speak or unless his silence in itself equivalent to speech. So X sells by auction to Y a horse which X know to be unsound state of mind. X बेच रहा है एक horse जो कि unsound है, ठीक है, किसको बेच रहा है, Y को. X says nothing to Y about the horse's unsoundness. X cannot be held liable because he did not say anything positive about the mental state of the horse. How horse is unsound mind or not, वो जो है आप देख कर भी पता लगा सकते हैं. X ने कुछ नहीं कहा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और वहाँ पर है ये इलस्ट्रेशन. 4 इसका आंसर रहेगा. Next 61, what must be the age difference between adopting male and adopted child? डिफरेंस गैप वो 21 साल का होना चाहिए एज पर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. बट अब देखिए हम लिखा अडॉप्टिंग मेल एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, जो अगर मेल है एंड वो फीमेल अडॉप्ट कर रहा है तो 21 साल का चाहिए, अगर एक फीमेल है जो कि मेल अडॉप्ट कर रही है तो 21 साल का चाहिए, अदरवाइज इतना टाइम गैप देने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पर एग्जैक्टली मैंशन नहीं किया चीज़, वो 21 साल का गैप होता है वैसे. ने 62, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, 2 इज द आंसर. ने 63, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975 बाय अमेंडिंग द प्रीएम्बल, 1 इज द आंसर. कौन सी अमेंडमेंट थी वो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ओनली वन अमेंडमेंट इज देयर, 42nd अमेंडमेंट. अभी देखिए पैराग्राफ आ गया क्वेश्चन 64 एंड 65 के लिए, आप जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन 64 है, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द इंपैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूसेज ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज इज डिपेंड ऑन द वे सच क्लॉज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, 2 इज द आंसर. 65, इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर अ सर्टेन प्राइस बिटवीन ए एंड बी. However, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure clause, and the contractual document does not contain the force majeure clause. In this situation, what would be the fate of contract in the event like COVID-19? To hoga kya? In absence of such clauses in the contract, the court may resort to applicable law, the Indian Contract Act, to give relief to the parties.
3 is the answer. There can be doctrine of frustration, doctrine of impossibility would be there. Next 66, PM Modi visited which place in Japan for 2 days, 23-24 May 2022, to attend Quad Summit. तो वो हुआ था टोक्यो में. देखिए मतलब ये रीसेंट जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उससे पूछ रहे हैं, तो आप जरा देख लीजिए. अभी देखिए ये G7 समिट हुआ है कहाँ पर, हिरोशिमा में, एंड G20 न्यू दिल्ली में हुआ है ना. तो G7 हो सकता है पूछ ले, जापान वाला क्वेश्चन था पहले, हिरोशिमा में हुआ है अभी G7 समिट. नेक्स्ट 67, विच ग्रुप ऑफ इंडियन वर्कर्स वर अवार्डेड एंड ऑनर्ड बाय WHO फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ लास्ट ईयर. तो आशा वर्कर्स को दिया गया था ये, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 68, जोस रामोस होर्टा नोबेल पीस प्राइज लॉरेट वाज स्वोन इन एज प्रेजिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर. द कंट्रीज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया में है ये, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 69, लिसन टू योर हार्ट The London Adventure is a collection of boyhood memories of which author? Ruskin Bond, 3 is the answer. Next 70, who became the first Hindi author to win International Booker Prize? Wo thi Gitanjali Shree, 4 is the answer. Next 71, what is the name of survey vessel that joined Indian Navy in Chennai on 26th May this year? Matlab last year 2022 mein, to kaun sa tha wo? सर्वे वैसल निर्देशक, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 72, द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर वाज ओपन फॉर टूरिस्ट फ्रॉम 1 जून, इट इज इन विच प्लेस, चमोली उत्तराखंड में है ना, फूलों की घाटी, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 73, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 74, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 75, अलॉयज आर हार्डर देन प्योर मेटल या फिर सॉफ्टर, हार्डर होते हैं अलॉय तभी तो अलॉय बनाते हैं, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 76, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 77, द नंबर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन बॉडी कितने हैं, 24, 2 इज द आंसर. 78, when pressure is increased, the boiling point of water increases, 2 is the answer. 79, the gases in normal welding process are oxygen and acetylene, 3 is the answer. 80, which of the following movement came to abrupt end due to Chori Chora incident, that was non-cooperation movement, 1 is the answer. नेक्स्ट 81, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिजाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो थी सरोजनी नायडू, 4 इज द आंसर. एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट. नेक्स्ट 82, नाना साहेब लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कानपुर से, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 83, द रियतवारी सेटलमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन विच प्रेजिडेंसी, मद्रास से स्टार्ट किया था, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 84, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट वॉज सी राजगोपालचारी, तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 85, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया, तो ब्रिंजल, जैक फ्रूट एंड जिंजर ये नेटिव हैं, बाकी जैसे चिलीज, पोटैटो और बेल पेपर ये विदेशी हैं, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 86, एट विच पॉइंट ऑफ अर्थ देर इज नो ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 94, क्लेमेंसी टू कैपिटल पनिशमेंट इज ग्रांटेड बाय, क्लेमेंसी मतलब पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की है ना, आर्टिकल 72 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 95, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज नंद किशोर सिंह, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 96, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय RBI, ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 97, कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 98, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ,
टू इज द आंसर. अभी रिसेंट में कौन है? शक्तिकांत दास. नेक्स्ट 99, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 100, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. 1 इज द आंसर. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जाम ऑफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक ईयर 2022. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स, काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू हेल्प द कंटेंट क्रिएटर. मींस इफ यू लाइक द वीडियोस, यू कैन जस्ट डोनेट सम मनी टू देम इन फॉर्म ऑफ टिप्स. मिनिमम स्टार्ट्स विद 20, मिनिमम इज 20 रुपीज. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.